नमस्कार, इंस्पायरिंग बरकत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजकुमारी का विवाह नेवले के साथ क्यों हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक छोटे से गांव में बालकराम नाम का एक जमींदार रहता था। वह काफी अमीर था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर सुख सुविधा उसके पास थी। अमीर होने के साथ साथ उसमें घमंड बिल्कुल भी नहीं था। वह बहुत ही दयालु था। बालकराम की 3 पत्नियां थी, मगर उसके कोई संतान नहीं थी। इसी के कारण वह काफी परेशान रहता था और यही चिंता उसे हमेशा लगी रहती थी। वह सोचता था कि अगर संतान नहीं होगी तो मेरा वंश आगे कैसे चलेगा। एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे जब उसका दुख जाना तो उसे बताया कि एक निराला नाम का ब्राह्मण है। उसके बारे में उसने जमींदार को जानकारी दी और कहा कि तुम उससे एक बार जरूर मिल लो, वो कोई ना कोई उपाय तुम्हें जरूर बताएगा। ये बात सुनकर बालकराम खुश हो गया और वो उस ब्राह्मण से मिलने के लिए चल दिया, जिसका नाम निराला था। गांव के व्यक्ति ने ही उसे उसका पता दिया था, क्योंकि वह दूसरों की सहायता करता था। इसलिए गांव के लोग भी उसके साथ हमदर्दी रखते थे। जमींदार ने अपने जब चलते चलते उस पते पर पहुंचा तो उसने देखा एक ब्राह्मण बैठा हुआ है। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और उसे अपनी सारी परेशानी बताई। और उसने ब्राह्मण को बताया कि संतान नहीं होने के कारण कैसे वो चिंता में रहता है। तब उस ब्राह्मण ने उसकी सारी परेशानी सुनी और ब्राह्मण को 3 फल दिए और कहा कि इन 3 फलों को अपने 3 पत्नियों को एक एक दे देना। इससे तुम्हारी पत्नियों को एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी। बालकराम खुश हो गया और वह फल लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण ने निराला ब्राह्मण के अनुसार बताए हुए जमींदार ने अपनी 3 पत्नियों को एक एक फल दिया। उसमें से 2 पत्नियों ने तो फल को तुरंत खा लिया, मगर एक पत्नी ने अपने फल को मेज पर रख दिया और काम करने लगी। इसी बीच कहीं से एक नेवला आया और उस फल को जूठा करके भाग गया। थोड़ी देर बाद तीसरी पत्नी ने आकर उस फल को खाया और 3 पत्नियां, जो बालकराम की 3 पत्नियां थी, 3 गर्भवती हो गई। फल खाने के बाद 3 पत्नियां गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद बालकराम के यहाँ 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसके 2 पुत्र तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, मगर उसका एक पुत्र नेवले के जैसा था। इससे बालकराम काफी परेशान हुआ। वो फिर से उसी ब्राह्मण के पास गया, जिसने उसे संतान उत्पत्ति का उपाय बताया था। वो ब्राह्मण के पास पहुंचा और उसे अपनी सारी परेशानी बताई कि कैसे उसकी 2 पत्नियों ने तो सुंदर बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन तीसरी पत्नी ने एक नेवले को जन्म दिया है। अब जब उस ब्राह्मण ने उस जमींदार की पूरी बात सुनी तो उसने बताया कि तुम्हारी पत्नी ने नेवले के जूठे फल को खाया है। अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए अब तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र देखने में नेवले के जैसे ही छोटा रहेगा, लेकिन वो बड़ा बुद्धिमान होगा। बालकराम चुपचाप बेचारा निराश अपने घर को वापस आ गया और उसने अपने पुत्रों के नाम, जो बड़े पुत्र थे, 2 पुत्र और थे, उनका नाम वीरेंद्र बड़े पुत्र और मझले पुत्र का नाम धीरेंद्र रखा और जो सबसे छोटा उसका पुत्र था उसका नाम महेंद्र रखा। लोग धीरेंद्र और वीरेंद्र को तो धीरू वीर कहकर पुकारते थे, लेकिन जो महेंद्र था वह बिल्कुल नेवले के जैसा दिखता था, इसलिए उसे सब लोग नेवला भाई कहकर पुकारते थे। अब धीरे धीरे 3 भाई बड़े हो गए। महेंद्र तो नेवला जैसा ही दिखता था, इसलिए सब लोग उसे नेवला भाई कहकर पुकारते थे। नेवला भाई आकार में भी छोटा था, इसलिए उसके 2 भाई अपने साथ उसे नहीं खिलाते थे और कहीं भी अपने साथ नहीं लेकर जाते थे। अब वे 3 बड़े हो गए थे। जमींदार को लगा कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई है तो उन्हें अपने लिए कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए। तो उसने अपने बड़े 2 पुत्रों को अपने पास बुलाया और कुछ धनराशि देकर कहा कि तुम लोग अब जवान हो गए हो तो तुम्हें कहीं जाकर नौकरी की तलाश करनी चाहिए
और अपना खर्चा उठाना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तुम लोग पैसा कमाकर और सफल होकर वापस आ और जाओ अपना जो है कमाई करो। इस बात पर नेवला भाई बोला, पिताजी मैं भी नौकरी करने जाऊंगा। मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ और पैसे कमा सकता हूँ। बालकराम ने उसे समझाया कि तुम बहुत छोटे, तुम्हारा आकार बहुत छोटा है, तुम नौकरी नहीं कर सकते। अगर तुम नौकरी करना भी चाहोगे तो कोई तुम्हें नौकरी पर नहीं रखेगा। लेकिन नेवला नहीं माना। वो जाने की जिद करता रहा तो बालकराम उसकी जिद के आगे मान गए और उसे भी जाने की अनुमति दे दी। परंतु उसके दोनों भाई पहले ही जा चुके थे और उन्हें पता ही नहीं था कि नेवला जो उनका भाई है वो भी पीछे से आ रहा है। नेवला घर से बाहर निकला और कुछ दूर भागने के दौरान उसे अपने भाइयों को देख देख लिया और वह उनके पीछे पीछे लग गया। तेज धूप में चलते चलते दोनों भाइयों को प्यास लगने लगी थी, पर वहाँ कोई नदी तालाब नहीं था। वे लोग भूखे भी थे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें नारियल का एक पेड़ नजर आया। उनकी आंखें चमक उठी, लेकिन परेशानी यह थी कि नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा था और उन्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वे दोनों काफी मशक्कत के बाद, काफी कोशिश करने के बाद भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाए और एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हमारा नेवला भाई होता तो पेड़ पर चढ़ जाता और हमारे लिए नारियल तोड़ देता। तब तक पीछे से आवाज आई, भाई मैं पीछे ही हूँ। नेवला की आवाज सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हुए और उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने नेवला से नारियल तोड़ने के लिए कहा। नेवला भाई मान गया और देखते ही देखते वो पेड़ पर चढ़ गया और उसने बहुत सारे नारियल नीचे गिरा दिए। दोनों भाइयों ने नारियल का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और नेवला को धन्यवाद दिया। नेवला भी अपने भाइयों के साथ खुश हो गया और वे तीनों काफी भाई जो थे काफी थक चुके थे। अब उन्हें भूख भी लगने लगी थी। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उन्हें एक बेर का पेड़ दिखाई दिया। बेर के पेड़ पर कांटे होने के कारण वे बेर दोनों भाई पेड़ पर नहीं चढ़ पाए। उन्हें एक बार फिर नेवला की मदद लेनी पड़ी। नेवला भाइयों से मदद लेते समय काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि वे क्या करें कि नेवला से उन्हें मदद मांगनी पड़ रही है। लेकिन कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे लोग नेवला को पसंद नहीं करते थे। लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। भूख भी उन्हें लगी हुई थी तो नेवला से बोले, भाई हमारे लिए तुम बेर तोड़ दो तो हमें भूख लगी है। नेवला भाइयों से बहुत प्यार करता था। वे तुरंत बेर के पेड़ पर चढ़ गया और अपने भाइयों के लिए उसने खूब सारे बेर तोड़े, जिससे उनके भाई ने पेट भर कर बेर खाए। सुबह से लगातार चलते रहने के कारण वे लोग काफी थक गए। उन्हें बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए वे एक पेड़ के नीचे सो गए। हालांकि उन्होंने नेवला भाई की मदद जरूर ली थी, लेकिन वे उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। इसलिए जब नेवला भी सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों भाई जा चुके थे, क्योंकि जब नेवला सोया हुआ था तो दोनों भाई चुपचाप वहां से निकल गए। ये देखकर उस नेवले को बड़ा दुख हुआ और वह रोने लगा कि मेरे भाई मुझे अकेला जंगल में छोड़कर चले गए। लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया कि मैं हूँ, जैसा भी हूँ, सब लोग मुझे मेरे शरीर के कारण पीछा छुड़ाते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। इसलिए उसने अपने आप ही अपने आप को धीरज बंधाया और वह नौकरी की तलाश में शहर की ओर चल दिया। वीर को एक जमींदार के यहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। धीरू को भी एक अच्छी नौकरी मिल गई। वे दोनों लोग जी जान से अपनी नौकरी करने लगे। लेकिन नेवला को किसी ने भी नौकरी पर नहीं रखा। वह देखने में काफी छोटा था। अब नेवला भाई को एक व्यापारी के घर जब नेवला भाई काम मांगने गया, क्योंकि उसे सब नेवला भाई कहते थे। नेवला ने व्यापारी से पूछा कि तुम क्या मुझे काम करने दोगे? मैं तुमसे जो कहोगे वो तुम्हारा काम करूंगा। तो व्यापारी ने पूछा, तुम काम करने के बदले क्या लोगे? तो उसने कहा कि मैं फ्री में तुम्हारा काम करूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। व्यापारी भी बहुत चालाक था। उसने सोचा, मुफ्त में कहां नौकर मिलते हैं।
उसने अपने बेटे की देखभाल करने के लिए निवला भाई को नौकरी पर रख लिया। उसके जिम्मे व्यापारी के बेटे की देखभाल करना ही था। दूसरे दिन व्यापारी जब काम पर चला गया तो दूसरे दिन जब व्यापारी ने उसे अपने बेटे की सारी जिम्मेदारी समझा दी। व्यापारी की पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी, इसलिए लड़के की सारी जिम्मेदारी व्यापारी के ऊपर आ गई थी। लेकिन व्यापारी बहुत खुश था क्योंकि उसे एक नौकर मिल गया था और वो भी मुफ्त का। वो लड़का बहुत ही शैतान था। उसने नेवला को इतना दौड़ाया कि नेवला छत से गिर पड़ा और उसको चोट लग गई। रात में जब व्यापारी आया तो नेवला ने उस लड़के की करतूत बताई तो व्यापारी ताली पीट पीट कर हंसने लगा। बोला, वो मेरा बेटा ऐसा ही है। जाने कितने नौकर उसकी देखभाल करने आए और कितने चले गए, लेकिन उसके सामने कोई नहीं टिक पाया। वन की तो इसने आंख फोड़ दी और वो खूब ताली बजा बजा कर हंसने लगा। नेवला ने 2-3 दिन तक लो लड़के की खूब सेवा की, लेकिन बदले में वो बहुत खराब सलूक। व्यापारी और उसका बेटा उसके साथ करते थे नेवले के साथ, क्योंकि व्यापारी का भी सलूक उसके साथ अच्छा नहीं था। उसके खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं करता था। व्यापारी घर आने के बाद लड़के की शिकायत सुनकर अपने लड़के का पक्ष लेकर नेवला को खूब खरी खोटी सुनाने लगता। अब नेवला बहुत दुखी हो गया। पहले तो वो जी भरकर रोया, फिर उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाऊं। फिर सोचने लगा कि भागने से काम नहीं चलेगा, जैसे तैसे का हिसाब करके जाना चाहिए। उसने देखा व्यापारी बेईमानी, लालच और खूब इधर उधर के 2 नंबर का काम करके लोगों को लूटता और ठगता है। उसे किसी की जरा भी परवाह नहीं है। उसके पास बहुत धन हो गया है, वो उसे छुपा कर रखता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। व्यापारी का व्यापार, नेवला व्यापारी का जो व्यवहार था वह नेवला के प्रति बहुत खराब था और उसका व्यापार बहुत चल रहा था। अब वो वहाँ से जाने की जो है सोचने लगा कि मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए और अपना हिसाब इस नए व्यापारी और उसके पुत्र से करके ही जाऊँगा। अब नेवला भाई ने एक योजना बनाई। उसने धीरे धीरे उस लड़के पर अपना काबू कर लिया था। अब उसकी शैतानी नेवला भाई के सामने नहीं चलने वाली थी। अब तो उसे बस व्यापारी को सबक सिखाना था। व्यापारी के घर से बाहर जाने के कुछ देर बाद जब उस लड़के को भूख प्यास लगने लगती तो इसी बात को उसने अपना नेवला ने हथियार बनाया था। उस लड़के को वश में करने के लिए उसने एक अनोखी तरकीब निकाली थी। उसने नेवला भाई से खाने पीने के लिए जब कुछ मांगता तो इस बात पर नेवला भाई कड़क कर कहता, अगर तू खाना खाएगा तो तुझे पानी नहीं पीने दूंगा और अगर तू पानी पिएगा तो तुझे खाना नहीं खाने दूंगा। तुम्हारे पिता ने जहाँ जहाँ रुपए दबा कर रखे हुए हैं मुझे बता दो, क्योंकि उसने जहाँ भी रुपए छुपाए हैं अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें खाना खाने दूंगा। लड़का सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे तेज भूख लगी हुई थी, इसलिए उसने एक जगह का पता बता दिया जहाँ नेवला भाई ने वहाँ से काफी सारे पैसे निकाल लिए। जमींदार के घर में एक बहुत ही सूखी सी मरियल सी गधी थी जो कि एक साइड बंधी रहती थी। अब जो नेवला भाई था उसने सारे पैसे लिए और उसे आटे में मिलाकर उस गधी को खिला दिया। अब वो रोज यही करने लगा। जैसे ही वो लड़का खाना मांगता, नेवला भाई उससे व्यापारी के द्वारा छिपाई हुई मोहरे, धन दौलत जो भी थी उसका पता उससे पूछ लेता और वो सोने की मोहरे निकालकर उस गधी को खिला देता। धीरे धीरे जब व्यापारी की सारी दौलत नेवला भाई ने निकाल ली तो उसने सोचा कि अब अपने घर चलना चाहिए, पैसे भी बहुत सारे कमा लिए। ये सोचकर उसने शहर में जाकर सबसे पहले अपने भाइयों को खोजा और उसने कहा कि भाई हमें अब घर चलना चाहिए, हमने यहाँ बहुत पैसे कमा लिए हैं और घर वाले भी हमें बहुत याद करते होंगे क्योंकि यहाँ आए हुए हमें काफी समय बीत चुका है। नेवले की बात इस बार दोनों भाइयों को सही लगी और दोनों उसकी बात से सहमत हो गए। उन्होंने कहा, कल सुबह हम यहाँ से निकल चलेंगे और ठीक अगली सुबह। सभी ने अपना अपना सामान बांध लिया और घर जाने की तैयारी करने लगे। वे दोनों भाई अपना सामान लेकर अपने मालिक से विदा लेने गए तो
नेवला भाई व्यापारी के पास गया और व्यापारी से नेवला भाई ने कहा, मुझे काफी दुख है कि मैं आपसे यहाँ से विदा ले रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ काम करने में मुझे काफी आनंद आया है। व्यापारी भी कहने लगा कि तुम्हारे जाने का मुझे भी बहुत दुख है। खैर अब छोड़ो, जो भी अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो, मैं तुम्हारी जो इच्छा पूरी कर दूंगा। नेवला भाई ने व्यापारी से कहा कि मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी वह जो सूखी सी गधी है जो उधर एक साइड में बंधी रहती है वो मुझे दे दो। व्यापारी भी उस गधी से काफी परेशान था क्योंकि उसे नेवला को खुशी खुशी दे दिया, क्योंकि वो व्यापारी के किसी काम तो आती नहीं थी, उल्टा उसको खाना पिलाना पड़ता था। खाना खिलाना, पानी पिलाना, उसकी देखभाल और चार टहल उसकी बड़ी जाती थी, इसलिए व्यापारी ने खुशी खुशी वो गधी उस नेवला भाई को दे दी। नेवला भाई गधी को लेकर अपने भाइयों के साथ आ गया। अब तीनों भाई अपने घर के लिए वापस निकल पड़े। रास्ते में दोनों बड़े भाइयों ने नेवला भाई का खूब मजाक उड़ाया और कहा कि इतने दिन नौकरी करने के बाद भी इसने ये गद ही खरीद पाया है, और वे खूब जोर जोर से ताली पटक पटक कर हंसने लगे। दोनों भाई ठहाका मारकर हंसने लगे, लेकिन नेवला भाई चुप ही रहा, उसने कुछ नहीं कहा। रास्ते में उन दोनों को भूख लगी और वे नेवला भाई को मनाने लगे, भाई भाई मुझे बेर तोड़कर खिला दो। नेवले भाई ने कहा कि ठीक है, मैं पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन अब वह पहले वाला नेवला नहीं था। अब वह सबको समझ चुका था कि कौन उसके प्रति कैसा सोचता है, कैसा व्यवहार करता है, क्योंकि जब मतलब पड़ता है तो नेवला भाई भाई करते हैं और नहीं तो उसे अपने साथ भी लगाना पसंद नहीं करते। अब नेवला जो बेर के पेड़ पर चढ़ गया और मीठे मीठे बेर खुद खाता और कच्चे कच्चे बेर फेंकता जाता, दोनों भाई उसकी ओर देख रहे थे कि ऐसे क्या हो गया है। नीचे उतरकर नेवला ने कहा, जब मैं अपने शरीर से छोटा हूँ तो आप फायदा भी लेते हैं और अपने शरीर का बड़ा होने का मजा भी लेते हैं। इसी तरह से नेवला में बदलाव आ गया, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वे कच्चे फल खाकर अपना गुजारा करने लगे। रास्ते में चलते चलते कई फलों के पेड़ पड़े। नेवला झट से पेड़ पर चढ़ जाता और पेड़ पर पेट भरकर खाता और साथ में अपनी गधी को भी खूब खिलाता था। गधी भी वहाँ से निकलकर मानो बहुत खुश थी। रास्ते में पानी पिलाता, फल खिलाता, वो बड़े मजे से अपनी गधी के ऊपर बैठकर चल रहा था। दोनों भाई पैदल चल रहे थे, लेकिन नेवला तो हाल के शरीर का था और मजे से अपनी गधी के ऊपर बैठा हुआ था। उन दोनों भाइयों ने आपस में सलाह की कि सबसे पहले नेवला के घर चलेंगे, देखेंगे कि इसकी माँ गधी को देखकर क्या कहती है, क्योंकि उनका गांव पास आ गया था। काफी देर चलने के बाद वो तीनों अपने गांव में आ गए। फिर जब वे अपने घर पहुँचे तो घर के सभी सदस्य तथा आस पड़ोस के लोग उन्हें देखने के लिए उनके आंगन में इकट्ठा हो गए। चूंकि तीनों की माताएं अलग अलग थीं तो उनके पिता जमींदार ने उन तीनों के लिए अलग अलग घर बनवा दिया था, ताकि तीनों में कोई लड़ाई झगड़ा न हो। सभी का अपना अलग अलग घर था, क्योंकि जो जमींदार था वो अपनी तीनों पत्नियों को समान प्रेम करता था और समान अधिकार देता था। अब तीनों भाई सबसे पहले नेवला भाई के घर गए। नेवला भाई के पास तो गधी थी। गधी को देखकर गांव के लोग, मोहल्ले पड़ोसी सब हंसने लगे और कहने लगे, देखो देखो नेवला भाई गधी लाया है, और उसका खूब मजाक बनाने लगे। नेवला भाई ने सबको नजरअंदाज करते हुए इस गधी को आंगन के बीचों बीच एक खूंटा गाड़कर बांध दिया और अपनी माँ से कहा, अम्मा रही अम्मा अंगना लिपाई, चार सखियां बुलाओ, एक डंडा मंगाओ, चार मंगल गवा, फिर अरहरिया छतर। उसकी यह बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन वह बार बार यही कह रहा था। उसकी माँ ने कहा कि यह क्या कह रहा, मेरी समझ में नहीं आया। उसने दोबारा कहा, अब मारी अम्मा अंगना लिपा, चार सखियां बुलाऊं, एक डंडा मंगाओ, चार मंगल गवा, फिर अरहर करूं या जरा करूं। उसकी यह बात सुनकर सब हंसते, लेकिन वो बार बार यही बात दोहराने लगा।
लेकिन उसकी माँ यह नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या कहना चाहता है। तब उसके पड़ोसी ने कहा कि ध्यान से सुनो। वो आंगन लीपने के लिए बोल रहा और एक मोटा डंडा लाने को बोल रहा है। चार मंगल गीत गाने के लिए कह रहा है। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने फिर से यही बात कई कई बार दोहराई तो आसपास के लोगों ने नेवला भाई जो कह रहा था वो करने दो, यही कहकर उसकी माँ को मना लिया। नेवला भाई के बताए अनुसार बाकायदा घर को लीपा गया और एक मजबूत डंडा पेश किया गया। सभी पड़ोस के नए लोग थे जो ढोलक बजाकर मंगल गीत गाने लगी, जो औरतें थीं। एक और मंगल गीत गाने लगी। लोग चारों तरफ गोला बनाकर खड़े हो गए। फिर नेवला भाई ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरहर करूं या अरहर? सभी लोगों ने एक स्वर में, एक आवाज में और एक स्वर में कहा, करो। नेवला भाई ने कहा, अच्छा, और उस गधी को दो डंडे मारे। तभी देखते ही देखते गधी लीद करने लगी। वो बिना रुके लीद करती जा रही थी, लेकिन वहाँ लीद की जगह सोने की मोहरों का ढेर लग गया। सभी लोग भौंचक्के और हैरान हो गए और तालियां बजाने लगे कि देखो गधी, लीद की जगह सोने की मोहरे अशर्फियां निकल रही हैं। थोड़ी देर बाद जब मोहरे निकलना बंद हो गई तो नेवला भाई ने फिर पूछा, चिल्लाकर बोला, अरहर करूंगी। पर अब की बार सबने कहा, अरहर करो। इस बार नेवला भाई ने गधी के चार डंडे मारे। फिर गधी दुगुनी रफ्तार से मोहरे निकालने लगी। उस मरियल सी गधी को जादुई गधी लोग समझने लगे। अब नेवला भाई के चारों तरफ वाहवाही होने लगी। उन दोनों भाइयों ने से भी पूछा लोगों ने कि तुम क्या कमा कर लाए हो, तो उन्होंने अपने लाए हुए रुपए दिखाए, लेकिन वे नेवला भाई के मुकाबले में कुछ नहीं थे। पैसे निकालने वाली जादुई गधी देखकर दोनों भाइयों के मन में लालच आ गया और नेवला भाई से वह गधी मांगने लगे। नेवला भाइयों ने ये जादू गधी देने को तैयार हो गया, मगर उसने एक शर्त रखी थी कि इस जादुई गधी के बदले में मैं तुम दोनों के सारे कमाए हुए पैसे ले लूंगा। दोनों भाइयों ने आपस में खूब विचार विमर्श किया और आखिर में तय किया कि पैसे तो और भी ज्यादा मिल जाएंगे, जब हमारे पास जादुई गधी मिल जाएगी। बाद में हम गधी से निकाल ही लेंगे। फिर उन दोनों ने राजी राजी खुशी खुशी अपने सारे कमाकर लाए हुए पैसे अपने छोटे भाई नेवला भाई को दे दिए और उससे वह जादुई गधी खरीद ली। फिर वे दोनों भाई अपने घर गए और ठीक वैसे ही गधी को आंगन के बीच में बांध दिया और अपनी माँ को कहने लगे कि आंगन को लीपने को कहा और दो मजबूत डंडे लाने को कहा। क्योंकि जादुई गधी की बात पूरे गांव में फैल गई थी तो उसकी माँ ने भी जल्दी से घर को लीप और दो मजबूत डंडे ले आई। मजबूत डंडे पेश किए गए। फिर दोनों भाइयों ने एक एक डंडा हाथ में लिया और चिल्लाकर पूछा, अरे करूं? अच्छा रहा। फिर सबने का चेहरा। फिर दोनों ने गधी को एक एक डंडा मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला, केवल एक सिक्का मिला। सिक्का देखकर दोनों की आंखें चमकने लगी। फिर दोनों ने गधी को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन सब बेकार रहा। बेचारी गधी अधमरी होकर गिर पड़ी। वे दोनों अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई और सिर्फ एक सूखी गधी को पालने पोसने का उनके जिम्मे था। यह उनके मत्थे मढ़ दी गई थी। वे दोनों अब नेवला भाई का कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने आपस में सोचा, इसे कौन पालेगा? चलो इसे उसी के मत्थे मढ़ देते हैं। वे दोनों घर गई। नेवला भाई के और उस गधी को नेवला के घर में बांधते हुए कहा कि अपना ये तोहफा तुम ही संभालो, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर दोनों उस गधी को उसके घर में छोड़कर वापस चले गए। नेवला ने उस गधी की खूब अच्छे से खातिरदारी करी, उसे खूब खिलाता पिलाता, जिससे गधी को ताजगी मिली। अब वो गधी में फुर्ती आने लगी, वो नेवला के पास रहने लगी। वो दिन दूनी रात चौगुनी मोटी होती जा रही थी। गधिया नेवला भाई के घर पर ही रहने लगी थी। नेवला भाई उसे घर के बाहर बने एक झोपड़े में बांध दिया करता। नेवला भाई उसकी खूब सेवा करता और जब भी कहीं उसे कहीं आना जाना होता तो
वह अपनी गधी के ऊपर बैठ कर जाता था। समय पर चारा देता था गधी को और समय पर पानी पिलाता। खा खा कर गधी खूब मोटी हो गई। गति काफी तेज भागती थी। वह काफी होशियार भी हो गई थी। नेवला भाई आजकल बहुत खुश रहने लगा। गांव के गांव वाले लोग भी नेवला भाई का अभी भी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन नेवला भाई अपनी दुनिया में मस्त रहता और वह लोगों की बातें कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब नेवला भाई के दोनों भाइयों ने नौकरी करके फिर से बहुत सारा पैसा कमा लिया और अब उनके पिता ने उनको बोला कि अब तुम्हारी शादी की भी उम्र हो गई है, इसलिए उनके लिए योग्य लड़कियां देखकर रिश्ते तलाशना शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद उन दोनों को बहुत अच्छे खानदान से सुंदर लड़कियों के रिश्ते आने लगे और वे दोनों की शादी हो गई। वे दोनों काफी खुश थे। अभी भी नेवला भाई का मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये तो गधी से ही शादी करेगा, और खूब ठहाका लगाते। समय के साथ अब बालकराम को नेवला भाई की शादी की भी चिंता होने लगी। वो मन ही मन सोचकर दुखी हो रहा था कि नेवला से कौन शादी करेगा, कौन अपनी लड़की देने को तैयार होगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। बालकराम को नेवला भाई की शादी की चिंता होने लगी। नेवला भाई की शादी की उम्र हो रही थी। नेवला भाई भी बहुत दुखी रहा करता था कि कोई उससे शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता। दूसरी तरफ वीर और धीरू की माँ सारा दिन आराम से लेटी रहती। उन्हें कोई काम धाम तो करना नहीं था, क्योंकि घर में बहू आ गई थी और बहू ने सारा काम संभाल लिया था। समय के साथ साथ नेवला भाई की माँ बूढ़ी होने लगी। उसके हाथ पैर नहीं चल पाते थे, फिर भी वो घर का सारा काम करती। कुछ दिन बाद नेवला की माँ को बुखार आ गया और वो काफी बीमार हो गई। नेवला भाई की माँ को बुखार आने के कारण घर का सारा काम करना और खाना बनाना अब नेवले के ऊपर था। नेवला भाई को खाना बनाना तो आता नहीं था, जैसा भी उसे बनता वह बना लेता, क्योंकि धीरू और वीरू तो उसे खाना देने से रहे, क्योंकि वे तो वैसे बहुत जलते थे। जैसे अब नेवला जैसा भी बनाता वैसा दोनों माँ बेटे मिलकर खा लेते, वही खाना पड़ता। मजबूरी थी उनकी। एक दिन तो नेवला भाई की माँ और उस नेवले को एक रात तो भूखा ही सो गई, क्योंकि उनसे खाना बनाया ही नहीं गया। उसी रात, क्योंकि नेवला जब खाना बना रहा था तो उसका सारा खाना जल गया। खाना बर्बाद हो गया तो दोनों माँ बेटा भूखे ही सो गए। तभी उसी रात उसके दरवाजे पर किसी ने खटखट की अचानक से आवाज सुनी। आधी रात को नेवला भाई की नींद खुल गई। अचानक से कि दरवाजे पर कौन खटखट कर रहा है। उसने सोचा कि घर में चोर घुस आया होगा। फिर उसने उठकर एक कोना देखा और वो कोना देख लिया, और मगर हुआ सब कुछ ठीक था। घर का एक एक कोना छान मारा, वहाँ कोई चोर नहीं था। वह आकर वापस सो गया। अगले दिन नेवला भाई उठा तो उसने देखा कि घर सारा घर चमक रहा था, जैसे किसी ने झाड़ू पोछा लगाया हो। फिर वह रसोई घर में गया तो उसने देखा तरह तरह के पकवान बने हुए रखे हैं और हर जगह झाड़ू लगी हुई है। ये सजा सारा नजारा देखकर नेवला भाई काफी खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले उसने अपनी माँ को खाना खिलाया और बाद में उसने अपने आप खाना खाया। फिर सोचने लगा कि यह सारा काम किसने किया होगा। उसने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सारा दिन यूं ही गुजर गया। अगले दिन फिर वही नजारा उसको देखने को मिला। अब दो तीन दिन बीत गए। रोज सारा उसका काम हो जाता। अब नेवला को जिज्ञासा हुई कि यह सब कौन करके जाता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। अब रोज रोज यही होने लगा। नेवला भाई जैसे ही उठता तो उसे सारे घर में झाड़ू लगी मिलती, सारे बर्तन साफ मिलते, खाना भी बना हुआ मिलता, वो भी एकदम बढ़िया बढ़िया पकवान। दो तीन दिन तो नहीं कि अब कपड़े भी धुलने लगे, बिल्कुल साफ चमकदार उसके कपड़े होते। दो तीन दिन से ये सब हो रहा था। अब नेवला से रहा नहीं गया।
उसके मन में ये जानने की तीव्र इच्छा हुई और उसने निश्चय किया कि वह जानकर ही रहेगा कि यह सारा काम कौन कर रहा है। फिर उस दिन शाम को सोने से पहले नेवला ने जो अपनी नींद न आने की दवाई खा ली और बिस्तर पर आकर लेट गया, सोने का नाटक करने लगा। आधी रात को यूं ही गुजर गई और उसे नींद भी आने लगी तो उसने सोचा कि अब उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, अब जाकर उसे सो जाना चाहिए कि कोई नहीं आने वाला है। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसे जब एक झपकी आई तो उसने उसे तभी देखा कि बाहर झोपड़े में कुछ खटर पटर की आवाज आई। उसने झट से खिड़की से झांका तो देखा कि गधी के झोपड़े का गेट अपने आप खुल गया। उस झोपड़े में से गधी बाहर निकली। उसके गले में रस्सी भी नहीं थी। अब वह गधी नेवला भाई के घर में आ गई। नेवला भाई झट से कोने में छिप गया। गधी बरामदे में आकर खड़ी हो गई। नेवला भाई कमरे में बने एक रोशनदान से चुपके से उसे देखने लगा। फिर उसने देखा तो एक हाय, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गधी के चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई और उसके पास काफी सारी तितलियां आकर उड़ने लगी। धीरे धीरे रोशनी तेज होने लगी। फिर वो रोशनी इतनी तेज हो गई कि नेवला भाई की आंखें बंद होने लगी। नेवला ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर बाद जब रोशनी हल्की सी कम हुई तो नेवला भाई ने आंखें खोली तो उसके सामने एक बहुत ही सुंदर परी खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी उसने दांतों के तले अपनी उंगली काटी तो उसे विश्वास हो गया कि वह सपना नहीं देखा। फिर उस परी ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और मन ही मन कुछ गुनगुनाया। फिर उसने वह जादुई छड़ी घुमाई और बरामदे में पड़ी झाड़ू अपने आप का सफाई करने लगी। देखते ही देखते पूरा घर चमकने लगा। फिर उसने रसोई में खाना अपने आप बनकर तैयार हो गया। घर के सारे कपड़े हवा में उड़ने लगी और देखते ही देखते सारे कपड़े एकदम साफ चमकने लगे। ये सब देख नेवला भाई का सिर चकराने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगी और वह चाहकर भी ज्यादा देर तक नहीं जाग पाया। अगली सुबह जब नेवला भाई की नींद टूटी तो उसने देखा कि वह कमरे के कोने में पड़ा है। वो झट से उठा और घर के बाहर निकला, उस झोपड़ी की तरफ जाने लगा। सूरज बिल्कुल सिर पर था। दोपहर हो चुकी थी पर वो किसी बात पर ध्यान नहीं देते हुए सीधे अपनी गधी के झोपड़े में घुस गया। वहाँ बिल्कुल वो चुपचाप खड़ी थी और उसके गले में रस्सी बंधी थी। नेवला भाई ये देखकर चौंक गया। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर उसने गधी से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? गधी ने एक ही जवाब दिया, ढेंचू ढेंचू। अपनी भाषा में वो बोलने लगी। जब नेवला भाई ने फिर वही सवाल किया तो, लेकिन गधी तो अपनी आवाज बोल रही थी। नेवला भाई ने उससे कई सवाल किए लेकिन गधी का एक ही जवाब था, वह तो ढेंचू ही कर रही थी। काफी देर माथा पच्ची करने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं लगा। वो थक हार कर घर वापस आ गया और कमरे में चला गया। बहुत देर तक कमरे में बैठे बैठे नेवला बहुत सोच विचार में डूबा हुआ था। फिर उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह आज रात गधी गधी का राज जानकर ही रहेगा और वह शाम को गांव में टहलने चला गया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। नेवला भाई घर वापस आ गया। फिर शाम को उसने जो अपनी उंगली में एक चीरा लगा लिया ताकि उसे दर्द होता रहे और नींद नहीं आए और दो नींद नहीं आने की गोलियां भी खा ले। फिर वह बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे वह गधी के बारे में सोच रहा था। धीरे धीरे आधी रात गुजर गई। फिर पिछली रात की तरह झोपड़े का दरवाजा खुला और उसमें से गधी बाहर निकली। फिर वह गधी बरामदे में आकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे सुनहरी रोशनी सुनहरी चारों तरफ फैलने लगी। गधी के आसपास कई सारी तितलियां उड़ने लगी। नेवला भाई ये सारा नजारा उसी रोशनदान में से देख रहा था और जब रोशनी काफी तेज होने लगी तो नेवला भाई की आंखें बंद हो गई क्योंकि वह उस रोशनी को सहन नहीं कर पा रहा था।
तब उसने आंखें खोली तो देखा कि वही सुंदर सी परी बरामदे में खड़ी थी। और फिर उस परी ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और परी के जादुई छड़ी निकालते ही नेवला भाई खड़ा हुआ और एकदम झटके से दरवाजा खोलकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। नेवला परी भाई को अपने सामने देखकर भागने लगी, जो परी थी नेवला को देखकर भागने लगी। नेवला भाई जोर से बोला, रुको। दरवाजा खोल दिया और वो एकदम से रुक गई। परी वहीं की वहीं रुक गई। फिर नेवला भाई ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? परी कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, मैं परीलोक से आई हूँ, मैं परीलोक की राजकुमारी हूँ। नेवला भाई बोला, किंतु तुम गधी कैसे बन गई? तब परी ने कहा कि एक दिन मैं अपने घर में मैंने बहुत से ऋषि मुनियों को दावत पर बुलाया था, लेकिन एक गलती से मैं एक ऋषि को बुलाना भूल गई। वो ऋषि बहुत ही क्रोधी थे, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं जीवन भर गधी बनकर रहूंगी। लेकिन जब मैंने उनसे बार बार क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें शराब मुक्त तो नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषि का श्राप निष्फल तो जाता नहीं है, और इसलिए तुम्हें इसी रूप में रहना पड़ेगा। लेकिन तुम अपने असली रूप में रात के समय आ सकती हो, लेकिन दिन में तुम गधी बनकर ही रहोगे। अगर तुम्हें इस श्राप से मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें परी लोक के कम भूख को हराना होगा। कम भूख को हराना के लिए तुम्हें किसी की मदद भी ले सकती हो। नेवला भाई ने परी से पूछा, कम भूख कौन है? परी ने जवाब दिया, कम भूख परी लोक का एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली देखती है। उसने परीलोक में तबाही मचा रखी है। उसने तपस्या करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं और अब वह परीलोक में राज करना चाहता है। उसी को हराकर मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ, पर मेरी सारी शक्तियां उसके सामने कम पड़ जाती हैं। मैं उसे अकेले नहीं हरा सकती, इसलिए मैं पृथ्वी पर आई हूँ ताकि मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ सकूं जो उसे हरा सके, मुझे मेरी असली जिंदगी में ला सके, सारी जिंदगी गधी बनकर ही रहूं। अगर मैं उसे नहीं हरा होंगी तो मैं सारी जिंदगी अपनी गधी बनकर ही बताऊंगी। ऐसा कहकर परी रोने लगी। नेवला भाई को उस पर दया आ गई। उसने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। परी कहने लगी कि ठीक है, लेकिन उसे हराने के लिए तुम्हें मेरे साथ परी लोग चलना पड़ेगा। परी वहाँ पर और भी परी है, तब उस परी ने कहा। नेवला भाई ने कहा, मैं परीलोक चलने के लिए तैयार हूँ। परी ने कहा कि कल रात में तैयार रहना, कल रात को हम परीलोक चलेंगे। मैं रात में ही अपने असली रूप में आ पाती हूँ, इसलिए उसे हमें रात में ही चलना होगा और रात में उस राक्षस को हराना होगा। नेवला ने कहा कि ठीक है। परी फिर से गधी के रूप में आने लगी। नेवला भाई सोने के लिए कमरे में चला गया। गधी अपने झोपड़े में चली गई। नेवला भाई बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता रहा। फिर उसे कब नींद आ गई वो पता ही नहीं चला। अगली सुबह नेवला भाई जल्दी उठकर कम भूख से कैसे मुकाबला करेगा, इस बारे में वो सोचने लगा। रात में परी के सामने उसने बोल तो दिया कि वह कम भूख का मुकाबला कर लेगा, लेकिन असलियत में उसे भी बहुत डर लग रहा था। फिर उसने कुछ हथियार इकट्ठे किए और उन्हें एक झोले में रख लिया। फिर वह गांव में टहलने चला गया। कुछ समय बाद घर लौटते समय रास्ते में उसे एक अंडा पड़ा मिला तो उसने वह भी अपने साथ रख लिया और फिर घर आ गया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और उसने शाम का खाना खाया और कमरे में जाकर बैठ गया। अब रात होने लगी। धीरे धीरे रात गहराती गई और नेवला भाई परी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद गधी झोपड़े से निकली और परी में बदल गई। फिर वह बरामदे में आ गई। वह नेवला भाई को ढूंढने लगी। नेवला भाई कमरे में बाहर कमरे से बाहर निकला तो परी ने उससे कहा, तुम मेरे साथ चलो, घर से बाहर चलो। नेवला भाई और परी दोनों घर से बाहर निकल कर आए। फिर परी ने नेवला भाई से कहा कि मेरा हाथ कसकर पकड़ो और नीचे मत देखना, वरना तुम्हें डर लगेगा। नेवला ने अपना हाथ अपने साथ अपना झोला भी ले लिया
और अपना हाथ परी के कंधे पर लटका दिया और फिर उसने परी का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर देखते ही देखते उस परी के पंख निकल आए और परी ने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी छलांग लगाई। अब वो हवा में उड़ने लगी। आसमान की तरफ उसने देखा तो वो जो आसमान में उड़ रहा था नेवला। इससे को बड़ा रोमांच हो रहा था कि वो आसमान में उड़ रहा है। परी ने उसे जवाब दिया कि मेरा नाम नीलम है और अब हम हवा में उड़ रहे हैं। नेवला भाई ने उससे पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? परी ने कहा कि हम सब लोग परीलोक में रहते हैं, लेकिन कम भूख ने और सभी के साथ मेरे परिवार वालों को और जितने भी परीलोक के वासी हैं सबको कैद कर लिया है। मैं किसी तरह भाग निकली। फिर नेवला भाई कहने लगा, हम उसे ताकत से नहीं हरा सकते, इसलिए हमें उसे दिमाग से हराना होगा। परी ने नेवला की हाँ में हाँ मिलाई और नेवला भाई कहने लगा कि मेरे पास एक योजना है। नेवला ने परी को पूरी योजना बताई। फिर वे दोनों काफी देर बातें करते रहे और बातें करते करते दोनों परीलोक पहुंच गए। उन्हें पता ही नहीं चला बातों बातों में कब परीलोक पहुंच गए। नेवला भाई ने झोला कंधे पर लटका लिया और परी से कहा, मुझे पता है राक्षस कम कहाँ रहता है, मुझे उसके पास ले चलो। परी ने कहा, ठीक है चलो। फिर वे दोनों राक्षस कम भूख की तलाश में निकल पड़े। काफी देर चलने के बाद एक गुफा के पास पहुंच गई। उसने देखा वहां के सारे बहुत सारे जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी और उस पूरे इलाके में बहुत बदबू भी आ रही थी। नेवला भाई ने कहा, हो सकता है वह राक्षस इसी गुफा में रहता हो। पर इन्हें का फिर तो हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर वे दोनों उस गुफा में चले गए। अंदर गुफा में बहुत सी हड्डियां पड़ी हुई थी, फिर भी गुफा के अंदर काफी भयानक आवाज आई। यह आवाज राक्षस की ही थी। परी और नेवला भाई दोनों उस गुफा में चले गए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वे दोनों बिना डरे आगे बढ़ते गए। अभी वे थोड़ा आगे बढ़े थे कि उन्हें बहुत ही भयानक आवाज सुनाई दी और उन्होंने देखा कि उनके सामने वही राक्षस कम खड़ा है। वे दोनों पहले तो कुछ घबरा गए, लेकिन जल्दी उन्होंने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया। नेवला भाई कम्बोह के सामने पहुंचा और उसने अंधेरे का फायदा उठाकर थोड़ी सी रेत उठा ली। फिर उसने अपने झोले में से चुपके से वही अंडा निकाल लिया जो उसे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। उसने वह अंडा अपने बाएं हाथ में छिपा लिया। बाद में उसने कम भूख को दिखाते हुए पास पड़े एक पत्थर को उठाया। नेवला भाई ने देखते ही देखते अपने दोनों हाथ उस पत्थर को जो मसल कर रख दिया, क्योंकि रेत को वह नीचे फेंक दिया। नेवला भाई ने अपने दोनों हाथों से जैसे ही उस अंडे को मसला तो उसकी थोड़ी सी आवाज हुई और उसे झाड़ दिया। दोनों हाथों को झाड़ दिया। खम्भों को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अंडा था जो सफेद था। दरअसल उसने पत्थर पहले ही नीचे गिरा दिया था और अपने हाथ में छिपाए हुए अंडे को मसल दिया था, जिसे अंडे के छिलके की टूटने की आवाज को कम करने पत्थर टूटने की आवाज समझ लिया। कम्बोज ने सोचा, ये तो बहुत शक्तिशाली है, इसने पत्थर को ही मसल कर रख दिया है। कम भूख थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन नेवला भाई के इस शक्ति प्रदर्शन का कम पर ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ। कम भूख की गुफा में आज तक किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए नेवला भाई और परी को अपने सामने देखकर कम भूख गुस्से से आग बबूला हो गया। वे बड़ी तेजी से उन पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ा और उन्हें दोनों पर बहुत ज्यादा तेजी के साथ झपटा। पर उन दोनों को कुचलने ही वाला था कि दोनों समय रहते पीछे हट गए। अपना वार सफल होते देख कम भूख को और गुस्सा आ गया। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और उन दोनों पर दे मारी। वे दोनों फिर से कुल्हाड़ी से बच गए। कुल्हाड़ी उनके बिल्कुल पास में जाकर गिरी। कम भूख ने एक बार फिर झपट्टा मारा और इस बार उसने परी को पकड़ लिया। नेवले भाई ने परी से कहा कि तुम अपने जादू से क्या मुझे इसके सिर पर पहुंचा सकती हो? परी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं तुम्हें इसके सिर पर बैठा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें छलांग लगानी होगी। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई
और नेवला को नेवला ने जैसे ही छलांग मारी वो सीधे कंबो के सिर पर जा बैठा। नेवला ने भी मौका देख झट से अपने झोले में से एक चाकू निकाला और सीधा कमरूहर की आंखों में घुसा दिया। कंबो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उसने तुरंत ही परी को नीचे फेंक दिया और नेवला भाई को भी नीचे गिर गया। नेवला भाई को थोड़ी सी चोट आई लेकिन वो तुरंत ही खड़ा हो गया। परी के सिर में भी थोड़ी चोट आई थी लेकिन वो भी जैसे तैसे खड़ी हो गई। अब कंबो के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपना विशालकाय पैर उठाया और उन दोनों को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। कंबो उन दोनों पर अपना पैर रखने ही वाला था कि नेवला ने अपने झोले में से एक भाला निकाला और उसे उल्टा करके जमीन में गाड़ दिया। फिर जैसे ही राक्षस ने अपना पैर उठाया और उसका पैर उस भाले पर पड़ा जो पूरा भाला उसके पैर में आर पार हो गया। अब जो राक्षस था वो दर्द से कराहता हुआ जमीन पर बैठ गया। नेवला भाई को मौका मिल गया। उसने अपनी जेब से पिसी हुई मिर्ची की जो पोटली निकाली और कम की आंखों में डाल दी। अब कम भूख दर्द से चिल्लाने लगा और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मिर्ची से उसकी आंखें जल रही थी। कुछ तो फूट गई थी, उनमें जख्म थे और मिर्च डालने से उनमें और ज्यादा जलन हो रही थी। अब वह बुरी तरह से तड़प रहा था। अब हमला कर हम हमला करने की हालत में नहीं बचा था। थोड़ी देर बाद नेवला भाई उसके पैर पर चढ़ गया। कंबो ने नेवला का पर एक और हमला किया। उसने अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी निकाली और नेवला पर दे मारी। नेवला भाई तुरंत हट गया और कंबो के कंबो ने नीचे देखा तो उसने अपना ही पैर काट लिया था क्योंकि उसे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था और उसने कुल्हाड़ी अपने ही पैर पर डाल ली। अब उसे अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो दर्द से चिल्लाने लगा और जमीन पर लेट गया। दोबारा उसकी उठने की हिम्मत नहीं हुई। कंबो ने हार मान ली। परी और नेवला बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने कम भूख राक्षस को हरा दिया। अब पर हमेशा हमेशा के लिए श्राप मुक्त हो गई और नेवला भाई परी की खुशी खुशी दोनों वहाँ से गुफा से बाहर आने लगे। वे दोनों अभी थोड़ा आगे बढ़े थे कि एक भाला आकर नेवला भाई के कंधे के आर पार हो गया। नेवला भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो कम खड़ा था। कम भूख अभी मरा नहीं था, वह केवल नीचे गिर गया था। परी को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसके दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। उसने कुल्हाड़ी पूरी ताकत से कम की गर्दन पर मारी और कम्मू का सिर धड़ से अलग हो गए। अगली सुबह जब नेवला बाई की नींद खुली तो उसने देखा कि एक चट्टान पर वो लेटा हुआ है और उसके सामने नीलम परी खड़ी हुई है। वही नेवला भाई की गुफा से निकाल कर लेकर आई थी क्योंकि जो कुल्हाड़ी लगने से नेवला भाई बेहोश हो गया था। नेवला बाई ने अपने कंधे पर हाथ फिराया तो महसूस किया कि उसे कंधे पर कोई जख्म नहीं था, न ही उसे कोई दर्द हो रहा था। तब परी ने उसे सारी परियों से मिलकर ठीक कर दिया है। उसे पूरी बात बताई कि कैसे हमने अपनी शक्तियों से तुम्हारे जख्म भर दिए हैं और अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। नेवला भाई पत्थर से नीचे उतरा और उसने इधर उधर चल फिर कर देखा तो उसका सारा दर्द गायब हो चुका था। फिर नेवला भाई ने उन सबको धन्यवाद कहा। अचानक नेवला भाई को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। नेवला भाई अपने आप ही धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। उसके चारों तरफ पीली रोशनी फैलने लगी। देखते ही देखते नेवला भाई एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। वो जैसे ही राजकुमार में बदला उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। फिर नेवला ने उन सबको बताया कि पिछले जन्म में वो बहुत बड़ा शैतान था और उसने खेल खेल में एक नेवले को मार दिया था। एक ऋषि ने उसे ये करते देख लिया था और उसने उसे श्राप दिया था कि दुष्ट जंतु अगले जन्म में नेवला बनकर ही रहेगा। लेकिन जब मैंने उससे काफी देर तक माफी मांगी तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम परीलोक में किसी परी की मदद करोगे तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। नेवला भाई ने अपनी बात पूरी की और नीलम परी से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। नीलम परी तो पहले से ही उसे बहुत पसंद करती थी।
क्योंकि अब वह राजकुमार बन गया था तो मना करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब वह स्वस्थ था और नेवला जो राजकुमार बन चुका था। वे दोनों जो अपनी माँ के पास पहुँचे, नेवला भाई को उसकी माँ नहीं पहचान पाई तो नेवला भाई ने अपनी सारी कहानी अपनी माता को बताई। उन्होंने नेवला भाई को पहचान लिया और परी ने नेवला भाई से विवाह कर लिया और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। वे सभी जो गांव वाले थे वे नेवला भाई की केवल राजकुमार बुलाने लगे। नेवला भाई नहीं कहते थे, पहले तो उसे नेवला कहते थे लेकिन अब उसे भी राजकुमार कहने लगे और आखिरकार नेवला भाई भी शादी। नेवला भाई की शादी हो गई थी लेकिन उसकी जैसी शादी तो किसी की नहीं हुई थी। उसके भाइयों की तो बोलती बंद हो गई। उनका तो मुंह लटक गया कि उनके सभी भाई अपना सा मुंह लेकर रह गए। पूरे गांव में मैं ही नहीं आसपास के इलाकों में भी नेवला राजकुमार की धाक थी क्योंकि उसके पास जो भी आता वो उसकी मदद जरूर करता था। आखिर उसके साथ जादुई शक्तियों वाली परी जो थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।